अब पांचवी नंबर की एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी हो क्या? रुको, ले फिर आ गए। जय हिंद, हम हैं संतोष यादव। आज बात करेंगे डंबल ही लेके। अगर आपके पास घर पे डंबल है, अगर डंबल है तो ईंट की व्यवस्था करेगा, लेकिन डंबल चाहेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। डंबल से कैसे पूरा आर्म बनाएं, मतलब आपका ये बाइसेप और ये आपका ट्राइसेप दोनों कैसे बनाएं, मतलब उसका ट्रेन कैसे करें, ट्रेनिंग कैसे करें घर पे ही एक जबरदस्त ट्रेनिंग। अगर अच्छी ट्रेनिंग रहती है तो मसल जो है अच्छा दिखता है, उसका लुक अच्छा दिखता है। बवाल मचाने के लिए मसल कंडीशन बहुत जरूरी है। तो जो हम लोग डंबल से कर रहे हैं ना, उसमें यह है कि आपको सही तरीके से करना पड़ेगा। अगर आपको फॉर्म टेक्निक नहीं पता है तो आप देखेंगे आपको रिजल्ट बिल्कुल नहीं मिलेगा, आपका टाइम वेस्ट होगा, और सबसे बड़ी बात टाइम वेस्ट होगा तो आप चूतिया बनेंगे। तो हम लोग स्मार्ट बन रहे हैं। पहली जो एक्सरसाइज करें, हम लोग बाइसेप के लिए डंबल उठा लो। जो डंबल है हमारे पास, डंबल उठा लिए। पहले हम लोग करें हैमर कर्ल। हैमर कर्ल का यही है कि भैया देखो, आपको ऐसे साइड में खड़े हो जाना, चाहे जहाँ खड़े हो जाओ, इसको यहाँ पे चिपका के रखना है, चेस्ट को ऊपर रखना है और कंधे को एक स्थान पे होल्ड रखना है। ये जो आपका ये है, मतलब आर्म, ये हमेशा होल्ड रहेगा और आपका फोर आर्म से ऊपर जाएगा। चलो ये ऐसे जाएगा और स्क्वीज पूरे मसल पर ऐसे लोड डालो, फुला दो। तो ये तरीका है जिससे आप देखेंगे आपके मसल पर लोड पड़ रहा है। अगर फास्ट अगर आप कर रहे हैं, देखो ऐसे कर रहे हो, ऐसे अंडे बंडे मार के अगर भाग रहे हो तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, जब आप फॉर्म से करोगे ना, यू विल गेट द रिजल्ट। तो ये तरीका है, फॉलो करो। हाँ, फॉलो करोगे तो बवाल मच जाएगा। अगर आप सिंगल करना चाहते हो सिंगल कर सकते हो, डबल करना चाहते हो डबल कर सकते हो। मैं कहूँगा कि आप सिंगल करो 10, फिर सिंगल करो 10, उसके बाद डबल करो 10। इससे क्या होगा ना, एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाएगा और आप एक चीज़ से बोर नहीं होंगे। इसके आप 4 सेट लगाएं और जो बाइसेप का लॉन्ग हेड है उसको ट्रेन करके फेंक दें। उसके बाद जो हमारी दूसरी एक्सरसाइज है वो ट्राइसेप के लिए होगी। हम लोग एक हाथ से डंबल ऊपर ले रहे हैं, ऊपर लेके वन हैंड ओवर हेड एक्सटेंशन ऐसे। तो ये जो चीज़ है ना, आप देखें यहाँ पे जो ट्राइसेप का लंबा हेड है, लॉन्ग हेड, ये ट्रेंड हो रहा है। और जब ट्राइसेप का लॉन्ग हेड आपका ट्रेंड होगा तो आप देखेंगे आपका जो डोला है, मतलब आर्म है, उसको बड़ा दिखेगा। मेन होता लंबा का हेड ट्रेन करना बहुत ही जरूरी है। तो ये चीज़ काहे नहीं ट्रेन कर रहे हो, ये चीज़ करो, बहुत ओल्ड स्कूल इसका एक्सरसाइज है, लेकिन ओल्ड स्कूल इज गोल्ड स्कूल, समझ लो ना। तो बहुत बॉल एक्सरसाइज है। आप दोनों हाथों से आप करेंगे तो एक सेट कंप्लीट हो जाएगा। और एक हाथ से 15 से 20 बार, दूसरे हाथ से 15 से 20 बार हम लोग कर रहे हैं और इसके 4 सेट लगा रहे हैं। मतलब अगर आप दोनों हाथों को जोड़ेंगे तो 8 सेट हो जाएगा और आपका ट्राइसेप देखेंगे जो लॉन्ग हेड है वो ट्रेन हो जाएगा। अब बात करते हैं तीसरी एक्सरसाइज कौन है। डंबल दोनों उठाए लो, जो चीज़ें उठा लो दोनों उठा ले। अब एक तो होता है डंबल बाइसेप कर ले यहाँ से, लेकिन हम लोग कर रहे हैं सामने लेके यहाँ पे। तो यहाँ पे जब आप करेंगे चेस्ट ऊपर करेंगे तो एक चीज़ में ही फायदा है ना कि आपका जो आर्म है वो लॉक हो गया है, लॉक हो गया। और दूसरी चीज़, अब आप जर्क नहीं मार पाएंगे। अगर आप जर्क मारेंगे तो मैं आपको एक बता देता हूँ कैसे जर्क होगा। अगर आप इसको या तो आगे बहुत ले गए या तो अगर आप इसको पीछे ले गए तो ये हो गया अंडबंड जर्क। तो हम लोग चेस्ट ऊपर रख रहे हैं, एक आसान फिक्स रख रहे हैं, सिर्फ इतना ऊपर ला रहे हैं, पूरा स्क्वीज करें। स्क्वीज का मतलब क्या होता है, स्क्वीज हम बोल के आपको पागल कहते हैं। स्क्वीज मतलब हो गया मसल को फुलाना, मसल को फील करना और मसल टू माइंड को कनेक्ट करना, दिस इज कॉल्ड स्क्वीज। तो ये है, इस तरीके स्लो देख रहे हो, कितना स्पीड देख रहे हो। तो ई स्पीड बहुत जरूरी है, नीचे भी स्लो ही जाया जा रहा है, ऊपर भी स्लो ही जा रहा है, ऊपर ले जाकर फुलाया जा रहा है ताकि आपका पीक जो है ऊपर के बाहर है, फट के बाहर है। तो ये आप 4 सेट कर सकते हैं और एक बार में आप दोनों हाथों से करेंगे तो आपका कोई भी अंड बंड नहीं होगा और इससे जो बाइसेप है दोनों रिलैक्स नहीं होंगे, बराबर लोड पड़ता रहेगा। आप 15 से 20 कर सकते हैं, 4 सेट लगा सकते हैं, उसके बाद रिलैक्स कर सकते हैं। अब जो हमारी फोर्थ नंबर की एक्सरसाइज होगी, हम लोग लेट के करेंगे, इसको कहते हैं स्कल क्रशर डंबल से। ये वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है जो आपके डोले का साइज बढ़ाएगी, आपका डोला बड़ा लगेगा। इस तरीके से आप पहले अपने हाथों को होल्ड रखें, ऊपर उठाएं और यहाँ पे हो गया, मतलब अपर चेस्ट के सामने अपने हाथों को रखें, एकदम सीधा होगा। अब ये जो चीज़ है, आपका आर्म, आपका डोला, ये लॉक होगा, सिर्फ इतनी चीज़ पीछे जाएगी। चलिए, ये पीछे गई है, मतलब एकदम पीछे भी नहीं जा रही है, आपके कान के समान, मतलब कान के सामने ही आ रही है। उसके बाद ऊपर जाके इसको स्ट्रेच किया जा रहा है, पूरा स्ट्रेच, पूरा स्क्वीज। इससे आप देखेंगे कि आपका बाइसेप और ट्राइसेप अच्छा इसलिए लगेगा ताकि आपका डोले का साइज जब बढ़ा रहेगा तभी तगड़ा लगेगा। और आप पूरा प्रॉपर वर्कआउट जब करेंगे ना, यू विल सी योर आर्म इज लुकिंग वेरी गुड कंडीशन, उसकी कंडीशन अच्छी होगी। और जब कंडीशन अच्छी होगी तो अगर आपका बाइसेप छोटा भी रहेगा, ट्राइसेप छोटा भी रहेगा, तब भी बवाल लगेगा। तो इसको आप 4 सेट कर सकते हैं, ऐसे तरीके से स्लो कंट्रोल स्क्वीज करते हुए रेप्स लगा सकते हैं 15 से 20, रिलैक्स करो भैया। अब पांचवी नंबर की एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी हो क्या? रुको, पांचवी नंबर की एक्सरसाइज है, मतलब एक्सरसाइज है, साला हमारा इंग्लिश एकदम फर्स्ट हो चुकी है लगता है आज।
एक्सरसाइज है ना वो आपके जो बाइसेप का है, एक ये हेड भी होता है जिससे आपका बाइसेप चौड़ा लगता है, देखो आप साइड से कितना चौड़ा लगेगा जब ये एक्सरसाइज आप करेंगे, जो क्लोज ग्रिप डंबल कर्ल कहते हैं, इसी डंबल को पकड़ लो, चेस्ट वॉक ऊपर रख लो, चलो भैया ई कंडीशन में, इसमें ज़्यादा ओवर एक्टिंग नहीं करनी है, ज़्यादा अंड वंड नहीं करना, स्लो करना ऐसे इस तरीके से, स्लो कंट्रोल स्क्वीज, तीन नियम यार, तीन नियम, स्लो कंट्रोल करो, स्क्वीज करो मतलब धीरे करो और थाम के करो और फुलाई दो। तो इसको आप चार सेट करेंगे एक बार में 25 से 30 के, क्योंकि ज़्यादा वेट नहीं है, लाइट वेट है, 10 से 12 अगर वेट है तब भी आप 25 से 30 कर सकते हैं स्लो, लेकिन इससे तुम्हारा साइज बढ़ जाएगा। यस को भैया, अब लास्ट एक्सरसाइज, वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज, जो लोग मिस कर रहे हैं, काहे नहीं कर रहे हो इसको, दिस इज द बेस्ट एक्सरसाइज दैट विल हेल्प यू टू इंक्रीज योर ट्राइसेप, और वो है हमारा ट्राइसेप का शॉर्ट हेड, जो छोटा हेड होता है ना, मीडियल हेड होता है ये, इसको ट्रेन करेगा डंबल किक बैक, ऐसे पोजीशन में आप ले लें, आर्च बना लें थोड़ा, मतलब कि कमर में थोड़ा गड्ढा कर लें, चेस्ट को ऊपर रख लें और यहाँ पे इसको फिक्स कर लें कोहनी को और पीछे ले जाएं, चलो फोर आर्म्स को पीछे, ये आप देख सकते हैं ट्राइसेप पूरा लोड पड़ रहा है और पूरा ओवरऑल ट्राइसेप ट्रेन हो रहा है, उसके साथ साथ आपका जो छोटा हेड है जिसको लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसको हटाओ रहे, वो ट्रेन हो रहा है। आप इसको कर सकते हैं चार सेट रेपिटेशन, जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं, लेकिन मैं तो कहूँगा 15 से कम नहीं करना है, स्पीड इतनी स्लो रखोगे तो बहुत फ़ायदा होगा। रिलैक्स करो भैया। तो ये था हमारा वर्कआउट डंबल्स है, जो आप कहीं भी कर सकते हो, जंगल में, घर पे, द्वारे, ऊपर नीचे, बेड पे खड़े होके, कुएं में घुस के, लेकिन डंबल होना चाहिए। अगर कुएं में घुसे हो तो डंबल नहीं लेके जा सकते, तो ईंट उखाड़ दो और कुएं में साफ रहता तो बच के, ठीक है ना। बाकी आप वर्कआउट करो, बॉडी कहीं भी बना सकते हो, दिमाग तुम्हारा बॉडी के प्रति नशा होना चाहिए, आप समझ रहे हो ना। आप गर्लफ्रेंड से 2 घंटे चैट करोगे, आप जिम करने के बाद नहीं करेगा, फिर वेट करो कब फोन आए, अब कब लौंडियाबाजी चालू करें। तो लाइक सब्सक्राइब करना हो तो कर देना, वरना अपना देख लेना, मिलेंगे अगले वीडियो में, जय।